नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अरूप सर। तो मित्रों, पिछले सर्ग में हमने देखा कि कर्ण को किस तरह से परशुराम के आश्रम से वापस विदा होना पड़ता है और इसके बाद कुछ अंतराल जो है वो छोड़ दिया गया है कि कैसे वहां पे द्यूत सभा में क्या क्या घटती है, पांडव अपना सब कुछ खो देते हैं और इसके बाद उन्हें क्या मिलता है, वनवास मिलता है और अज्ञातवास मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको घर द्वार छोड़कर, राजमहल के सुख को छोड़कर आपको जंगल में रहना होगा और एक साल अज्ञातवास, जिसका अर्थ ये होता है कि उस एक साल के दरमियान आपको कोई कहीं भी ढूंढ ना सके। तो अब इस सर्ग में, तृतीय सर्ग के पहले भाग को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं इस पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए। इसकी जो भी पंक्तियां हैं वो इतना ज्यादा प्रेरणादायी है कि वो हर किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि अगर इंसान को कभी दुख होता है और अगर वह कष्ट सहता है तो वो आगे चलकर कुछ भी करने की शक्ति रखता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे इस तृतीय सर्ग में कि वनवास से लौटने के बाद पांडवों में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या वो और शक्तिशाली हो गए या उनमें किस प्रकार के गुण जो है, नए नए गुण उनमें वापस से जो है वो उन्नत हुए। तो आइए हम लोग सुनते हैं इस तृतीय सर्ग। तो बच्चों, ये पंक्तियां खास आपके लिए, आपको प्रेरित करने के लिए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उठ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित हो रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों। क्या कहता है कि शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रश की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि जब मेहंदी को हम लोग पीसते हैं तो वो अपना सुंदर और अमित लालिमा का छाप छोड़ जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि नई वधुएं जो होती हैं वो विवाह के वक्त उपयोग करती हैं, जो अपना शुभ संकेत देता है। तो ये मेहंदी की लाली ये अचानक से नहीं आती, जब तक वो नहीं पिसती है वो अपनी अमित लालिमा कभी नहीं छोड़ती। तो फिर से, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रश की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल फिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल
मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही, सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका नव एक नहीं, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, बागों में साल न मिलते। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। तृतीय सर्ग के प्रथम भाग की अंतिम पंक्तियों को सुनिएगा, बहुत ही प्रेरणादायी। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस क्षण जाने दे, जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी। तो मित्रों, अगले भाग में हम लोग देखेंगे कृष्ण की चेतावनी, जो पूरे रश्मि रथी की सबसे रोमांचक और सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी सर्ग होगा हमारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भाग आपको पसंद आया होगा, और अगले भाग बिल्कुल भी ना देखना छोड़ें, बिल्कुल भी ना देखना भूलें। उससे ज़्यादा रोमांचक दूसरा कोई भाग नहीं हो सकता, और अगले बार का दृश्य भी कुछ और होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।